दिल्ली समेत एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी चली। दिल्ली के कुछ इलाकों में आंधी के बाद हल्की बारिश हुई, गर्मी से राहत मिली लोगों को। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बादलों की मेहरबानी, झमाझम हुई बरसात। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चलेगी। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी देश में रूह से मिलेगी राहत। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी ने जिम्बाब्वे वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान। जिम्बाब्वे दौरे के लिए धोनी के हाथों में रहेगी टीम इंडिया की कमान। खेले जाएंगे 3 वनडे 3 T20 मुकाबले। जिम्बाब्वे दौरे की वनडे टीम में केएल राहुल, फैज फैजल, मनीष पांडे, करुण नायर, ऋषि धवन, जयंत यादव, वरिंदर सरन, मनदीप सिंह, केदार जाधव, जयदेव उनाटकट और यदुवेंद्र चंचल जैसे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया। वेस्टइंडीज दौरे के लिए विराट कोहली को सौंपी गई टेस्ट टीम की कमान। अजिंक्य रहाणे बने वाइस कैप्टन। वेस्टइंडीज दौरे की टेस्ट टीम में मुरली विजय, शिखर धवन, रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर, स्टुअर्ट बिन्नी को भी जगह मिली। वनडे के साथ अब T20 से विकेट आई युवराज का पत्ता। जिम्बाब्वे वेस्टइंडीज दौरे के लिए किसी भी टीम में युवराज को शामिल नहीं किया गया। दो आतंकी हमलों से दहला श्रीनगर। टैंकपुरा में आतंकवादी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद। श्रीनगर के जदीबल इलाके में हुआ पहला आतंकवादी हमला, आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, दो पुलिसकर्मी शहीद। श्रीनगर के जदीबल में आतंकवादियों की फायरिंग में दो पुलिसकर्मी घायल भी हुए। फरार हुए आतंकवादी नाकेबंदी कर पुलिस कर रही है आतंकवादियों की तलाश। श्रीनगर में शहीद पांडुरंग महादेव को दी गई श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे पांडुरंग। दो दिन पहले कुपवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे 5 आतंकवादी। इसी दौरान पांडुरंग को लगी थी गोली। सुरक्षा बलों ने शहीद पांडुरंग की श्रद्धांजलि के वक्त सम्मान में झुकाया हथियार। मणिपुर के चंदेल जिले में कल उग्रवादियों ने घात लगाकर किया असम राइफल्स की टुकड़ी पर हमला, 6 जवान हुए शहीद, आज हुआ पोस्टमार्टम। अयोध्या में बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों से मोर्चा लेने की दी गई ट्रेनिंग। 14 मई को हुए शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में डमी आतंकवादियों को ढेर करने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लाठी चलाने का भी किया अभ्यास। ईरान दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ औपचारिक बातचीत की। चाबहार बंदरगाह समेत 12 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। $500 मिलियन से चमकेगी चाबहार पोर्ट की सूरत। गैस पाइपलाइन समझौते पर भी हो चुके हैं दस्तखत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आज भोज देंगे राष्ट्रपति रूहानी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमाई से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर की थी ईरान यात्रा की शुरुआत। जून में अफगानिस्तान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरात में 4 जून को सलमा बांध का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु में जयललिता ने छठी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 28 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। शपथ लेते 5 अहम घोषणाएं, 100 यूनिट बिजली की फ्री। जयललिता ने किसानों के कर्ज किए माफ। मंगलसूत्र के लिए 8 ग्राम सोना देने का वादा। मद्रास यूनिवर्सिटी के कैंपस में था शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन। जयललिता के मुख्यमंत्री पद की शपथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने तेहरान से दी बधाई, किया ट्वीट। तमिलनाडु की नई सरकार को केंद्र से मिलेगा पूरा सहयोग। इलाहाबाद में होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जून में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष होंगे शामिल। एयर इंडिया के फ्लाइट कमांडर्स को उड़ान भरने से पहले यात्रियों को जय हिंद बोलने का निर्देश। चेयरमैन अश्विनी लोहानी का निर्देश। केजरीवाल सरकार में मंत्री संदीप कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्रों का किया दौरा। खाद्य सामानों की जांच की, बच्चों को परोसा जाने वाला हलवा चखा, लगा खराब। आंगनबाड़ी में कई जगहों पर खाद्य उत्पादों पर नहीं मिली एक्सपायरी डेट। अनियमितता पर मंत्री संदीप कुमार ने जांच के आदेश दिए, 2 प्रोजेक्ट वापस लिए।
दिल्ली में टैक्सी यूनियन ने ओला उबर के खिलाफ किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री केजरीवाल से की दोनों कैब्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग। राजस्थान के करौली में रेप पीड़िता ने की आत्महत्या, रेप का आरोपी है फरार। पटना विश्वविद्यालय के वीसी के घर में कार्यकर्ताओं का हंगामा, गार्ड ने की हवाई फायरिंग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए को लोगों ने रस्सी से बांधा। एक पोल्ट्री फार्म में घुस गया था तेंदुआ, लेकिन दरवाजे पर फंसने पर लोगों ने पकड़ा। हैदराबाद के चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेर के बाड़े में कूदा एक युवक, चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने युवक को सुरक्षित बचाया। अल्मोड़ा में गाय चराने गए युवक पर बाघ ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। बाड़ में 50 डिग्री तापमान के बीच शाकाहारी जानवर ऊंट हुआ हिंसक, अपने मालिक को गर्दन चबाकर मार डाला। कश्मीर के पुलवामा में तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन, रिहायशी इलाके में तेंदुए ने दो बच्चों को दिया था जन्म। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के साथ जंगल चली गई मां, वन विभाग ने दूसरे बच्चे को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा। करनाल में कारोबारी के घर सांप और उसके 30 बच्चे मिलने से मचा हड़कंप, बाथरूम में पानी वाले पाइप में सांप ने दिए थे अंडे, उन्हीं में से निकले बच्चे। चिली के सैंटियागो में चिड़ियाघर में घुसे एक शख्स को बचाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने दो शेरों को गोली मारकर उनकी जान ले ली। आत्महत्या के लिए शेर के बाड़े में जा घुसा था शख्स, सुरक्षाकर्मियों ने शेर को गोली मारकर शख्स को बचाया। बलात्कार के आरोप में आसाराम को गिरफ्तार करने वाली डिप्टी एसपी चंचल मिश्रा को बम से उड़ाने की साजिश, बेनकाब गिरफ्त में आए शार्प शूटर कार्तिक हल्दर ने किया खुलासा। डिप्टी एसपी चंचल मिश्रा की सुरक्षा बढ़ी, हल्दर ने किया एक और खुलासा, गवाहों की हत्या के लिए AK-47 खरीदने की थी योजना, जुटाए गए थे 25 लाख रुपए। हापुड़ में कुछ दलित परिवारों ने जबरन गांव छोड़ने को मजबूर करने का लगाया आरोप, भेदभाव का आरोप लगाने के बाद बनाया जा रहा है गांव छोड़ने का दबाव। टीना बोरा मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी को राहत नहीं, सेशन कोर्ट ने फिर से पीटर की याचिका खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आंधी में गिरा मकान, मलबे में दब गए 3 बच्चे, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश के पहले भेद में दिल दहला देने वाली वारदात, निकाह के बहाने युवती को बुलाकर प्रेमी ने कमरा बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की। प्रेमी के वहशीपन का शिकार युवती 90% जली, बरेली में हो रहा इलाज, हालत बेहद नाजुक, आरोपी का पूरा परिवार फरार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 10 साल की मासूम छात्रा से दरिंदगी, कुएं में मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका, आरोपी फरार। कुएं में शव देखे जाने के बाद भी 5 घंटे तक निकालने की होती रही कवायद, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कहा कुएं में उतरने की नहीं दी गई है ट्रेनिंग। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में रेलवे ट्रैक के बीच पड़ा रहा शव, ऊपर से गुजरती रही ट्रेन, नहीं की गई शव हटाने की कोई भी कोशिश। मथुरा में कुएं में मिला लापता महिला का शव, पति पर हत्या का आरोप, बच्चे ना होने से था खफा। फिरोजाबाद में गुमशुदा पत्नी को लेकर पुलिस कार्रवाई, सुस्त होने पर पति का हंगामा, हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़कर किया हंगामा। जामताड़ा में पकड़ा गया साइबर अपराधी, बैंक अकाउंट से निकाल लेता था रुपए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 250 क्रूड बम जब्त। सतना के आदर्श ग्राम अबेर में आदिवासियों को लालच देकर कराया गया धर्मांतरण, ईसाई मिशन ब्रिज से जुड़े 7 लोगों पर आरोप, हाल ही में धर्मांतरण केस में अदालत से मिली थी जमानत। गुड़गांव के टोल प्लाजा में बस ड्राइवर की गुंडागर्दी, टोल दिए बिना फरार होने के चक्कर में बस को बेतहाशा भगाया, बाल बाल बचा कर्मचारी। गुड़गांव के टोल प्लाजा में कर्मचारी की जमकर धुनाई, टोल टैक्स मानने पर भड़के लोग, 8-9 लोगों ने किया जमकर हमला। उड़े के पिंपरी
छिंचवाड़ में पुलिस अफसर के बेटे की बेरहमी से पिटाई, कोल्ड ड्रिंक की बोतल सिर पर फोड़ी, वारदात सीसीटीवी में कैद। आईपीएल मैच के दौरान स्टेडियम में अवैध रूप से घुसे युवक पर फूटा डीएम का गुस्सा, डीएम कौशल राज ने युवक को मारा थप्पड़। रीवा में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी का गुस्सा है, लोगों ने सरेआम की पिटाई, पुलिस वाले ने एक ठेले में मारी थी टक्कर। दिल्ली में गंगो मूल के युवक की हत्या के केस में पुलिस ने मुबीन नाम के शख्स को किया गिरफ्तार, दो अभी भी है फरार। बुलंदशहर के सुल्तानपुर में बुढ़ाना गांव में अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने पर बवाल, लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतरे समर्थक, फायरिंग और पथराव में 12 घायल। रोहतक में दो बख्शों के बीच चुनावी रंजिश में गोलीबारी, एक शख्स की मौत, सरपंच समेत दो लोग गोली लगने से हुए घायल। दिल्ली के तौलाकाबाद में करंट लगने से 26 साल के युवक की मौत, लैपटॉप चार्ज करते वक्त हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के खंडवा में फौजी की पत्नी का आरोप, दहेज नहीं देने पर कोठे पर बेचने की कोशिश की पति ने। मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक कपल की पिटाई करने का वीडियो वायरल, अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था ये जोड़ा। पुलिस वाले ने शिकायत लेने से किया इनकार, जब दंपत्ति ने इस पर उठाए सवाल तो पीटा, इस महीने की 10 तारीख की है घटना। मुंबई में लग्जरी बस में आग, लपटों में घिरी पूरी गाड़ी, ड्राइवर कंडक्टर सुरक्षित निकले। कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग, बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट से भड़क गई चिंगारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डीएफओ ने अपने सरकारी बंगले में अवैध रूप से बनवाया स्विमिंग पूल, सरकार ने दिए मामले की जांच के आदेश। मौत के 9 महीने बाद मुंबई के वर्ली में कब्र से निकाला गया मेलविन फर्नांडिस का शव, परिवार की मांग मौत की दोबारा हो जांच। मुंबई पुलिस ने करीब 40 बड़े लोगों के सर से हटाई पुलिस की सुरक्षा, इनमें हीरा नंदानी ग्रुप, लोढ़ा ग्रुप जैसे कई वीआईपी और सेलिब्रिटीज शामिल। महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट जल्द ही जेलों में करेगा एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्तियां, कैदियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लिया गया है ये फैसला। गोदरेज ग्रुप के मालिक आदि गोदरेज का बयान, कहा रघुराम राजन को दिया जाना चाहिए अगला स्टेज। प्याज के गिरते दामों से परेशान किसानों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगाई मदद की गुहार, 600 से 700 रुपए क्विंटल तक पहुंच चुके हैं दाम। राजस्थान के भरतपुर में पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, 9 दिनों से धरने पर हैं किसान। इंदौर ने अंगदान के लिए बनाया रिकॉर्ड, 9 महीने में नोवा ग्रीन कॉरिडोर। बिना ब्रेन डेड के बाद 18 साल के दीपक धाकेता ने दिया अंगदान, लिवर, आंखें, हार्ट, किडनी, स्किन सभी दान कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श गांव जयापुरा में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी, गांव वालों की मजाक, टूट गया है भरोसा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तंबू से चलाई जा रही पुलिस चौकी, 45 डिग्री तापमान के टॉर्चर से पुलिसकर्मी बेहाल। अपने बेटे आर्यन के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुए शाहरुख खान, बेटी सुहाना भी थी साथ। सूत्रों के अनुसार सलमान खान की फिल्म सुल्तान में अब नहीं होगा शाहरुख खान का कैमियो, पहले थी शाहरुख के कैमियो की चर्चा। फुल के सम्राट और यामी गौतम की नई फिल्म जुनूनियत का ट्रेलर हुआ रिलीज। मुंबई में कैंसर पेशेंट्स के लिए आयोजित चैरिटी कार्यक्रम में पहुंचे टाइगर श्रॉफ, एक औद्योगिक घराने ने किया था कार्यक्रम। टीवी एक्ट्रेस हुनर हल ने कराया मुंबई में फोटोशूट, वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म के लिए तैयार। पर्दे पर 1 जुलाई को उतरेगी रजनीकांत की फिल्म कबाली, मलेशिया की भाषा मलय में होगी इसकी डबिंग। शिल्पा शेट्टी के बेटे की बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का बेला, ऐश्वर्या, रितेश, माधवन और तमाम सितारे पहुंचे। ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के फॉलोअर्स की तादाद हुई 2,10,00,000, अमिताभ ने कहा शुक्रिया। एंग्री बर्ड फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग, अकेले अमेरिका में वीकेंड पर $39 मिलियन कमाए। जल्दी भारत में भी देखा जा सकेगा अमेरिकन टीवी शो प्रिज़न ब्रेक, अभिनेता अनिल कपूर को मिले थे भारत में शो के राइट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा 3 दिन के दौरे पर पहुंचे वियतनाम, हुआ जोरदार स्वागत। श्रीलंका में रोनू तूफान से जबरदस्त तबाही, गाड़ियों की फर्राटा भरने वाली सड़कों पर चल रही है नाव।
आपदा प्रबंधन की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी, मेडिकल टीमें भी हुई मुस्तैद। थाईलैंड के चियांग राव स्कूल में आग लगने के बाद बेहद दर्दनाक हादसा, 17 लड़कियों की झुलसकर मौत। सिर्फ एक मिनट पहले टिकट कैंसिल होने से विमान हादसे का शिकार होने से बच गए मिस्र के लुत्फी। 19 मई को 66 यात्रियों के साथ हादसे का शिकार हुआ था विमान।